यूक्रेन में फंसे बच्चों का मुद्दा सदन में भी उठा और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से आंकड़ा पूछा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को वापस बुलाने की बात सरकार से कर ली है, केंद्रीय विदेश मंत्री से कर ली है। सीएम ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। पूरे हिमाचल के कितने लोग हैं, शुरुआत में आया था कि 1800 बच्चे हैं क्योंकि डिग्रियां करने के लिए गए हुए हैं, और हमें सभी बच्चों की चिंता है। मैं तो खुद भी देख रहा हूँ, लिस्टें जो हमारे पास आई हैं इसमें सब जानकार लोग हैं एक दूसरे से, और कल अभिभावकों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक तो ये सदन को सूचित करें कि हिमाचल प्रदेश के कितने बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आपने कहाँ कहाँ बात की है, उनको लाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अख्तियार की है, और क्या इन बच्चों को मुफ्त में जो है सरकारी कोष से पैसा दे के वहां से लाने का कोई प्रयास होगा, क्योंकि टिकट इतना महंगा हो गया है। विदेश मंत्री हैं, उनको भी पत्र लिखा है और जिसमें हमने इस बात को लेकर के ही आग्रह किया है, विशेष तौर से जो हिमाचल के जो हमारे बच्चे वहां पर हैं, जब तक वहां पर हैं तब तक वो सुरक्षित रहे वहां पर, उसका वहां पर दूतावास जो है वो व्यवस्था करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, सुनिश्चित करे, और उसके अतिरिक्त वहां से वापस लाने के लिए अगर जो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें भारत सरकार जो है वहां की सरकार के साथ तुरंत बातचीत करके उनको वापस लाने की व्यवस्था करे, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित घर तक पहुंच सके, उनके परिवारजन भी जो है वो इस चिंता से मुक्त हो सके।